तो जैसे कि YouTube पर एक चैनल जब क्रिएट कर लेता हूँ उसके बाद हम लोगों का चैनल पर 0 सब्सक्राइबर होता है, उसके बाद हम लोग कैसे भी करके 100 सब्सक्राइबर कॉम्प्लीट कर लेता हूँ। लेकिन गई जहां तक बात आता है 1000 सब्सक्राइबर कॉम्प्लीट करने में काफी ज्यादा मेहनत करना होता है। लेकिन आप लोग देखना काफी ऐसे क्रिएटर है जो अपना चैनल पर इजीली 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी कर लिया, चैनल मोनेटाइज भी कर लिया। भाई वो कैसे किया? तो यही एक चीज है, मैं आज इसी वीडियो पर ऐसे 3 तरीका के बारे में बात करने वाला हूँ। सोच सकते हो रास की बात है जो आज मैं फास करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो को एक बार वॉच करोगी तो आपका चैनल पर भी 1000 सब्सक्राइबर इजिली कॉम्प्लीट कर सकते हो, आप भी अपना चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों का जैसा जो भी क्रिएटर होता है हम लोगों को सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होता है, जो वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना। क्योंकि गाइस जब भी नेक्स्ट कोई ऐसे इस तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या वीडियोस अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पर पहुंच जाए। तो गाइस आप लोग अगर इंस्टा पर मुझे फॉलो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना जरूर। यही जो रिक्वायरमेंट हम लोगों का होता है वो भी आप कंप्लेंट नहीं करते हो भाई, क्यों? अगर हमारा वीडियो कंटेंट आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो आप लोग ये भी कमेंट करना जो भाई आपका हर एक वीडियो बकवास है, बेकार है, घटिया है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, तो भी हम लोगों को थोड़ा सा होने से भी मोटिवेट मिलता है। जो भाई मेरा जितना व्यूज आया उतना ही कमेंट आया, अच्छे हो या बुरे हो कोई बात नहीं है, तो वो भी आप लोग कमेंट डेफिनेटली नहीं करते हो। तो गाइस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं यही एक रिकमेंड देता हूं, भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, काफी यूजफुल जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगा। अगर आपका चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होता है वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो इस वीडियो देखने का बाद। बहुत ही सारा कर लिया आप लोगों का साथ में, अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो देने वाला हूँ काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हो। तो गाइस अगर आपका चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ, आप 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि भाई 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना उतना मुश्किल काम नहीं होता है भाई, फ्रेंड्स दोस्त या सारा कुछ मिला के 100 सब्सक्राइबर बन ही जाता है, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में छूट जाता है। तो इसके लिए मैं जो 3 तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त तरीका है, अब इसको फॉलो करके अपना चैनल पर इजीली 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हो। तो इसको फॉलो करने के लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, तो आप लोग भी अपना चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर इजीली कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है उसके साथ में वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकते हो। तो पहला तरीका के बारे में बात किया जाए, अगर गाइस मानो आप एक चैनल क्रिएट किया हो, आपका 100 सब्सक्राइबर हो गया, तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो, अपना चैनल मोनेटाइज करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी टॉपिक्स बना रहे हो, जो भी वीडियोस बनाना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो, उससे पहले यूट्यूब ओपन करना है, उसके बाद जो भी कैटेगरी का आपका चैनल है उसी से रिलेटेड जो भी क्रिएटर मिलता है, जो भी वीडियोस मिलता है उसको पहले वॉच करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक वीडियो को वॉच करना है, आप 10-20 वीडियो को वॉच कर सकते हो, अलग अलग क्रिएटर का अलग अलग वीडियो। तो इसमें 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट होगा? तो गाइस देखो वीडियो को पूरा देखोगी तो ही ना आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसे ही उटपटंग चीजें करोगी तो आप लोगों को समझ कुछ भी नहीं आने वाला है। तो पहले आपको YouTube पर जाना है, उसके बाद आपका कैटेगरी से रिलेटेड हर एक क्रिएटर का वीडियो देखना है, एक दो वीडियो नहीं 10-20 वीडियो को आपको वॉच करना है। इसमें क्या होगा, अलग अलग क्रिएटर का अलग अलग वीडियो टॉपिक्स आप देख रहे हो, तो आपको उसमें बहुत सारा सीखने को मिल जाएगा, भाई वो क्रिएटर ने किस तरह वीडियो बनाया, कैसे वीडियो पर किस तरह एक्सप्लेन किया, क्या क्या चीज किया वीडियो का अंदर में, सब कुछ आप लोगों को एक जानने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप पहला वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो पहला वीडियो अपलोड करना चाहते हो आप किस तरह बोलना चाहते हो, कंटेंट तो आपका पास में रेडी है बट आप किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हो, कैसे बनाना चाहते हो, ये तो आपको नहीं पता होता है। तो इसलिए पहले आपको YouTube पर जाना है, अलग अलग क्रिएटर का अलग अलग तरीके से वीडियो को वॉच करना है, वो क्रिएटर कैसे वीडियो को बनाया, किस तरह प्रेजेंट किया, तो नेक्स्ट वीडियो आप उसी तरह बना के उससे भी बेहतर बना के आप अपलोड कर सकते हो। बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है ये भी काफी एक यूजफुल है, पहला स्टेप तो आपने कंप्लीट कर लिया भाई, यूट्यूब पर जाकर आपका कैटेगरी से रिलेटेड क्रिएटर का अलग अलग वीडियो आपने वॉच कर लिया, आपको ये सब कुछ सीखने को मिल गया भाई, वीडियो का अंदर में कैसे बकचोदी करना है, किस तरह वीडियो बनाना है, किस तरह वीडियो को ये करना है वो करना है, सब कुछ आप लोगों को सीखने को मिल गया, आप सीख भी ले हो, आप वीडियो बना भी चुके हो। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपका कंटेंट के अंदर में सिमिलर
नीच होना चाहिए। तो गाइस सिमिलर नीच का मतलब क्या है? तो गाइस देखो, जो भी टॉपिक्स बनाना चाहते हो, मानो फॉर एग्जांपल हो गया आप फेसबुक से अर्न कैसे करें, इस तरह कुछ भी आप टॉपिक्स बनाना चाहते हो, मैं एग्जांपल तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइस देखो, कोई भी ऑडियंस अगर उस वीडियो को देखा जो फेसबुक से कैसे अर्न करे, हो सकता है वो तो सीख गया जो फेसबुक से भी अर्न होता है, बट ये भी हो सकता है ना गाइस, उसको ये भी नहीं पता भाई फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद पेज क्रिएट करने से सिर्फ काम नहीं होता है, काफी सारा उसमें चीजें होता है, सेटिंग्स होता है, फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन का पॉलिसी भी होता है, क्राइटेरिया होता है, उसके बाद उसका लोगो भी होता है, बैनर भी होता है, कैसे अपलोड करना है, कैसे टाइटल डालना है, कैसे उसमें टैग्स डालना है, थंबनेल डालना है, ये सब कुछ भी होता है फेसबुक पर भी। तो ये सारा चीज हो सकता है ऑडियंस को नहीं पता, ये सारा चीज आप एक ही वीडियो पे कवर भी नहीं कर सकते हो, तो आपको अलग अलग वीडियोस बनाना है। तो इस तरह होता है सिमिलर नीच, मतलब आपका कोई भी ऑडियंस अगर कोई वीडियो को देखे, उस तरह जो टॉपिक्स होता है जैसे कि फेसबुक अर्न कैसे करे, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करे, फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, किस तरह मोनेटाइजेशन करे, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होता है, ये सारा जो कंटेंट होता है आपका चैनल पर होना चाहिए, ताकि कोई भी ऑडियंस अगर उस वीडियो पर आए, फेसबुक पेज से अर्न कैसे करे ये वीडियो को देख लिया, वो भी अर्न करना चाहता है, तो नेक्स्ट वीडियो आपका चैनल पर भी मिल जाएगा जो भाई फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करे वो भी सीख लिया, फेसबुक पेज भी क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट वो ये भी देखना चाहता है फेसबुक पर इंपॉर्टेंट क्या क्या सेटिंग्स होता है, तो वो कंटेंट भी आपका चैनल पर होना चाहिए। तो इस तरह जो होता है सिमिलर नहीं, ताकि आपका चैनल पर जो भी ऑडियंस आए वो आपका चैनल से ही सब कुछ उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी दूसरे का चैनल पर जाके इन्फॉर्मेशन लेने ना पड़े। तो इसमें क्या होगा, जो भी ऑडियंस आपका वीडियो पर एक्टिव होगा तो ऑडियंस परमानेंट के लिए आपका चैनल के साथ में भी जुड़ जाए, और 10 ऑडियंस भी आपका चैनल के साथ में जुड़ जाएगा। दूसरा जो स्टेप होता है बेसिकली फॉलो करना है, उसके बाद लास्ट तीसरा जो स्टेप है काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो गाइस देखो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप अपने फॉलो कर लिया, तीसरा स्टेप क्या होता है, कॉपी टॉपिक्स, मतलब क्या होता है कॉपी कॉन्टेंट, मतलब जो भी आपका कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी से रिलेटेड आपका चैनल है, उसी से रिलेटेड आपसे जो भी बड़े क्रिएटर है, उससे भी जो भी बड़े क्रिएटर है, उन लोगों को फॉलो करना है। भाई वो क्रिएटर आज कौन सा टॉपिक्स अपलोड किया, कल कौन सा टॉपिक्स अपलोड किया, तो आपको कॉपी करना है। भाई ऐसा नहीं है, मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूं जो उसके जैसा सेम टू सेम डिक्टो कॉपी करना है, ऐसा नहीं करना है। कॉपी का मतलब ये होता है उसका जो टॉपिक्स है आप भी उसी तरह सेम टॉपिक्स अपलोड कर सकते हो। यूट्यूब पर ये होते रहता है, सिर्फ यूट्यूब का बात नहीं, हर एक सोशल मीडिया पर, क्योंकि मानो यूट्यूब का कोई अपडेट आया तो मैं भी वही चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा क्रिएटर भी वही अपडेट के बारे में एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि अपडेट आया तो जो भी यूट्यूब टिप्स देता है तो उन लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। नो, कोई एक बड़े क्रिएटर एक वीडियो अपलोड किया जो वीडियो वायरल कैसे करे, तो आपका भी टॉपिक सेम रहेगा, जो वीडियो वैसे वायरल करे। उसके बाद अपने से प्रेजेंट करना है, आप कैसे उस चीज को बोलना चाहते हो, किस तरह बोलना चाहते हो, आपको ये देखना है जो भी क्रिएटर का वीडियो को कॉपी कर रहे हो उसे भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि ऑडियंस तो उस क्रिएटर का वीडियो को देख लिया, उससे कुछ बेहतर तरीके से आपको कैसे क्रिएट करना है वो तो आपका ऊपर डिपेंड होता है। आपको कुछ इस तरह प्रेजेंट करना है कंटेंट को, कंटेंट अंदर में सेम रहेगा जो भाई वीडियो वायरल कैसे करे, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपको कुछ यूनिक सोचना होगा। उसका अंदर में कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट या फनी इफेक्ट होता है, वीडियो क्लिप्स होता है, ये सारा कुछ बढ़िया से डालना होता है, वीडियो को अच्छे से एडिटिंग करना होता है, उससे भी 2-3 लेवल आगे होना चाहिए आपका वीडियो, तब जाके आपका वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ जाएगा, तो सब्सक्राइबर इजीली गेन हो जाएगा। तो ये तीसरा जो पॉइंट होता है जो कॉपी टॉपिक्स, ये बेस्ट एक पॉइंट होता है, आप किसी का भी कॉपी कर सकते हो, बट उसको देखना है जो वो किस तरह टॉपिक्स फाइंड किया, सेम टॉपिक्स आपको भी फाइंड करना है, बट उससे भी कुछ ज्यादा ही आपको बेहतर तरीके से फाइंड करना है टॉपिक्स को। टॉपिक्स फाइंड करने का तरीका, बोलने का तरीका, इसी से ही वीडियो अच्छे से बन जाता है। तो ये तीन स्टेप फॉलो करके आप इजीली अपना चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हो, साथ में वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये तीन स्टेप आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हम लोगों का एक रिक्वायरमेंट है जो पहले भी मेंशन कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बढ़िया सा एक कमेंट करना, ये ट्रिक्स के बारे में कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, चैनल में पहली बार चैनल को मार्शली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड मिलते रहता है। तो गाइस आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो भी चाहो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक।